एक मिलियनेयर की वाइफ एक जर्नलिस्ट को रिझा कर उसे अपनी स्टेप डॉटर को किडनैप करने का काम देती है। फिर एक मर्डर के बाद सब कुछ इसे कॉम्प्लिकेट हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पालमेंटो 1998 की एक हॉलीवुड थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हैरी बार्बर, इसको जेल में देख सकते हैं। एक्चुअली एक बहुत ही गलत तरीके से, जो क्राइम उसने किया ही नहीं था, इस वजह से वो जेल में था। उसके केस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई और जज को पता चला कि हैरी उस केस में इन्वॉल्व था ही नहीं, तो इस वजह से 2 साल बाद उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। पर हैरी जज पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो कहता है, मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, इसका हिसाब कौन देगा। जेल से बाहर निकलने के बाद उसका ब्रदर इन लॉ उसका वेट कर रहा था। उसका ब्रदर इन लॉ एक पुलिस में है, तो उस पर भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि पुलिस की वजह से इस सब में फंसा हुआ था। ब्रदर इन लॉ कहता है, या तुम फिर से पालमेटो वापस जाने वाले हो। पालमेटो इस सिटी का नाम था। हैरी इसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर तभी हैरी की एक्स गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए आई। वो उसे कहता है, अब बहुत सारे साल हो गए, पर उसे कुछ भी बोलने नहीं देती, डायरेक्टली किस कर लेती है। इसके बाद क्या था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो पालमेटो में पहुंच गया। सालों पहले उसकी गर्लफ्रेंड आयरन की चीज़ें बनाती थी, पर अब वो एक आर्टिस्ट बन चुकी है। उसका एक एक पीस ये हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स के लिए जाता है। वो प्रॉपरली अब सेटल हो चुकी थी। हैरी को भी लगता है कि उसे कुछ काम ढूंढना चाहिए। ये ढूंढने के लिए वो सिटी में गया, पर आज उसे कोई भी काम नहीं मिला। वो ज़रा वरीड था, तो नीना उसे कहती है, मेरा बहुत सारा आर्ट वर्क है, इसे तुम डिलीवर कर सकते हो, मेरे लिए काम कर सकते हो। इस बात से हैरी का ईगो हर्ट हो गया और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो एक बार में आया हुआ था, तभी बहुत ही अमीर सी लड़की उसके पास से गुजरी। वो फोन बूथ पर जाकर कुछ बात करती है और अपनी पर्स पीछे ही छोड़ के ये हैरी जाकर देख लेता है। इसमें बहुत सारे पैसे थे, तो थोड़े से हैरी ने इसमें से निकाल लिए। अचानक से वो लड़की वापस आ गई। हैरी कहता है, मैं तुम्हें पर्स लौटाने वाला था। बारटेंडर ने सब देखा था, तो कहता है कि तुम्हारे पैसे चेक कर लो। उस लड़की ने कहा कि इसमें सारे पैसे हैं। वो हैरी से कहती है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बाय करूं। उसने उसे पूछा, मुझे लगता है कि तुम्हें रिस्की काम करना अच्छा लगता है। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, इसमें तुम्हें पैसे तो बहुत सारे मिलेंगे, पर रिस्क भी है। हैरी पूछता है कि एग्जैक्टली काम क्या है। इस लड़की ने उसे अपना नंबर दे दिया, कहता है कि कल मुझे कॉल करना। जाते वक्त उसे कहती है, मेरी एक चीज़ तुम्हारे पास है। एक्चुअली हैरी ने उसके पर्स से पैसे निकाल लिए थे, ये लेकर वहाँ से चली गई। शाम में हैरी काम ढूंढे ढूंढे रिवर के पास आया, जहाँ पर एक बोट ओनर से वो बात करता है। वह उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बोट दिखी। वो इसके बारे में बोट ओनर से पूछता है, तो बोट ओनर ने कहा कि हमारे इस टाउन में मेलरॉक्स ये एक मिलियनेयर आया हुआ है, उसकी एक वाइफ है और बेटी के नाम पर भी उसने एक बोट रखी हुई है। अगले दिन हैरी की गर्लफ्रेंड नीना ये मेलरॉक्स की यहाँ डिलीवरी देने के लिए जा रही थी, तो हैरी कहता है कि मैं देकर आता हूँ। वो यहाँ पर पहुंचा तो डायरेक्टली उसी लड़की को देखता है। एक्चुअली ये मेलरॉक्स की वाइफ थी। अब मिसेस मेलरॉक्स इतनी अमीर है, तो उस पर वो ट्रस्ट कर सकता है। हैरी ने उसे कहा कि काम क्या है ये तुम मुझे बताओ। वो उसे पैसे देती है और कहती है, सी के पास एक हाउस रेंट करो, वहीं पर हम बात करेंगे। इसके बाद रात में मिसेस मेलरॉक्स उसे मिलने के लिए आई। हैरी को पता था कि वो कुछ ना कुछ तो इलीगल बात करेगी, इस वजह से उसने टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया। मिसेस मेलरॉक्स कहती है, तुम्हें मेरी डॉटर ऑडेट की किडनैपिंग करनी पड़ेगी। ये काम रिस्की था, तो हैरी जरा कतराता है। तो मिसेस मेलरॉक्स ने कहा कि कोई भी किडनैपिंग होने नहीं वाली, ये प्लान मैंने और ऑडेट ने मिलकर ही किया है। ऑडेट कहीं घूमने चली जाएगी और इसके बदले में हम $500,000 की रैंसम मांगेंगे, ये कॉल तुम करोगे। इसके 10% $50,000 ये वो हैरी को देने वाली थी। ये सारी कुछ डिस्क्रिप्शन देते हुए उसने हैरी को रिझाने की कोशिश की। हैरी भी उसकी ब्यूटी देखकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ये काम करने के लिए रेडी था, पर इससे पहले वो ऑडेट से मिलना चाहता था। ऑडेट उसे मिलने के लिए आई। हैरी वंडर करता है ये सारी चीज़ें वो करना क्यों चाहती है। एक्चुअल में मिसेस मेलरॉक्स ये उसकी स्टेप मदर है, ये सारा प्लान उसी का था। पर ऑडिट को भी पैसों की ज़रूरत होती है, उन्हें हमेशा से ज़्यादा पैसे खर्च करने की आदत है। ऑडिट जब तक 18 ईयर्स की नहीं हो जाती, तब तक उसे पैसे काम आएंगे, इसके बाद वो फिर से अपने फादर के पास वापस आ सकती है। हैरी उसे कहता है कि अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो 1 सेकंड में तुम सब कुछ बातें उगल दोगी। इस पर वो गुस्सा होकर उसे हिट करती है। हैरी भी उसे शांत होकर कहता है, अगर हमें ये सब करना है तो एक अच्छे प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। ये फिर सारी चीज़ें फिक्स करते हैं। अगले दिन हैरी की गर्लफ्रेंड नीना का एग्जीबिशन था। इस एग्जीबिशन में मिसेस मेलरॉक्स भी आई। हैरी ने अपने टाइपराइटर से नोट लिखकर मिसेस मेलरॉक्स को दे दिया। इसमें लिखा था कि अपनी बेटी को अगर सही सलामत पाना चाहते हो तो मुझे $500,000 दे दो। इसके साथ मिसेस मेलरॉक्स को उसने ऑडिट के हेयर्स दिए। इसे सारी चीज़ें बिलीवेबल लगेगी।
अब इनका प्लान था कि ऑडिट अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाएगी, पर अचानक से वहां से गायब हो जाएगी। सबको लगेगा कि ऑडिट किडनैप हो गई, पर ऑडिट एक अच्छे से होटल में जाकर सेफली रहेगी। अब इनके इसी प्लान की एग्जीक्यूशन चल रही थी। ऑडिट क्लब से बाहर आई और अपनी गाड़ी के पास आती है, तभी उसकी गाड़ी को पीछे से किसी ने ठोक दिया। उस आदमी के साथ वो झगड़ा करने लग गए। अगर ये फाइट बढ़ जाती तो इनका प्लान प्रॉब्लम में आ जाता, इसलिए हैरी पीछे से आया, उस आदमी के सर पर मारकर ऑडिट को लेकर जाता है। वो ऑडिट पर गुस्सा आता, कहता है छोटी छोटी गलतियां बहुत ही महंगी पड़ती है। उसने उसे बताया कि वो जेल में क्यों गया था। इस टाउन में उसने रिवर के पास बहुत सारी एक्सपेंसिव कार्स देखी। इसकी उसने इन्वेस्टिगेशन की तो यहाँ पर इलीगल गैम्बलिंग चल रही थी। इसे उसने रिपोर्ट करना चाहा, पर उसी के लॉकर में $20,000 मिले। पुलिस को लगा कि हैरी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो इस वजह से उसे जेल में डाल दिया गया था। इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। वो फ्रस्ट्रेटेड था कि उसके 2 साल बर्बाद हो गए, तो इसी वजह से अब एक काम करने के लिए रेडी हुआ था। ऑडिट को सही से ख्याल रखने की इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चला जाता है। उसने फिर मॉलरॉस को रैंसम के लिए कॉल लगाया। अगले दिन हैरी को लेने के लिए पुलिस आते हैं। पुलिस स्टेशन जाने पर उसे पता चलता है कि उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे बुलाया हुआ था। एक्चुअल में पुलिस को ऑडिट की किडनैपिंग के बारे में पता चल चुका है। वो चाहते थे कि प्रेस में किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। हैरी पहले जर्नलिस्ट हुआ करता था, तो उसे इसके बारे में पता है, तो यही काम उसे वो दे देते हैं। हैरी ने फिर ऑडिट को कॉल लगाया। वो कहता है अभी के अभी तुम वापस आ जाओ, हमने अब तक कुछ भी गलत किया नहीं है। ऑडिट इस बात के लिए नहीं मानती। हैरी फिर अपने ब्रदर इन लॉ के पास गया। वो कहता है कि शायद ऑडिट कहीं भाग गई हो, मे बी ये रैंसम वगैरह सिर्फ एक प्रैंक हो सकती है। ब्रदर इन लॉ ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर ऑडिट ने घर पर कॉल किया। वो रो रही थी। वो कह रही थी अगर उसके फादर ने पैसे नहीं दिए तो ये लोग उसे मार डालेंगे। हैरी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो मिसेस मॉलरॉक्स को मिलने के लिए बुलाता है। हैरी ने उसे पूछा कि पुलिस को कैसे पता चल गया। वो मिसेस मॉलरॉक्स पर ही शक कर रहा था, पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर से उसकी ब्यूटी देखकर, उसके रिझाने की कोशिश देखकर, वैसे उसकी बातों में आ जाता है। ये दोनों इंटीमेट हो गए। फिर हैरी ने उसे कहा आज रात ही हमें रैंसम मांगनी पड़ेगी। उसने फिर ऑडिट को फिर से सिटी में बुला लिया था। उसने रात में मिसेस मॉलरॉस को कॉल कर एक जगह पर पैसे रखने के लिए बोल दिया। सक्सेसफुली हैरी ये पैसे लेकर आता है। अब वो बहुत ही ज्यादा खुश था। अपने रेंट किए हुए प्लेस पर वो पहुंचा, पर उसे डायरेक्टली ऑडिट की डेड बॉडी वहां मिली। वो बहुत डर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसने फिर ऑडिट की डेड बॉडी ली और अपने कार में डाली। इसे वो ठिकाने लगाने वाला था, पर बहुत सारी बारिश होने लग गई थी। एक कार को आगे देख नहीं पाया, तो इस वजह से उसकी गाड़ी साइड लेन से टकरा जाती है। उसका टायर भी फ्लैट हो चुका था। इसे वो फिक्स करने की कोशिश करता है, पर तभी एक पुलिस ऑफिसर पेट्रोल करता हुआ वहां पर पहुंचा। उसे गाड़ी के पेपर्स वगैरह बांधता है। हैरी ने कहा मेरा ब्रदर इन लॉ भी तुम्हारे साथ ही काम करता होगा। ये पुलिस ऑफिसर उसे जानता था, तो हैरी के साथ वो और भी फ्रेंडली हो गया। वो कहता है मैं तुम्हें फ्लैट टायर चेंज करने में हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारी डिक्की खोलो, हम इक्विपमेंट्स निकालेंगे। पर हैरी की डिक्की में ऑडिट की डेड बॉडी थी। हैरी जरा सोचता है और डिक्की खोलते वक्त उसने चाबी को तोड़ दिया। पुलिस ऑफिसर के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहता है मैं एक टो ट्रक को कॉल करता हूँ, वो तुम्हें घर पर सेफली छोड़ देगा। इस मुसीबत से वो बाल बाल बच गया। अब हैरी गाड़ी और ऑडिट की बॉडी के साथ घर में था। वो आज रात टेंशन में ड्रिंक कर लेता है। सुबह जब उठा तो उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया हुआ था। नीना सारी चीजें नोटिस करती है। वो कहती है कल रात तुमने ड्रिंक किया, आजकल तुम बहुत ही अलग अलग लग रहे हो। हैरी कहता है कि उस लड़की के किडनैपिंग केस की वजह से मैं जरा डिस्टर्ब हूँ। जहाँ पर पैसों की एक्सचेंज हुई थी उस क्राइम सीन पर हैरी को बुलाया गया था। पुलिस यहाँ पर फुटप्रिंट्स देखते हैं जो हैरी से मैच कर रहे थे, पर उस पर कोई भी शक नहीं करता। हैरी ने आज प्रेस को कंट्रोल करने का सही से काम किया। हैरी का ब्रदर इन लॉ उसे कहता है कि हमारे पास एक विटनेस है। उस रात ऑडिट का जिस आदमी के साथ झगड़ा हुआ था ये वही विटनेस था। हैरी उसके सामने नहीं आता और जल्दी से वहां से भाग गया। फिर हैरी जल्दी से घर आकर बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करने वाला था, इसे पहले उसने बैग निकाला। ये ओपन करते वक्त नीना उसे देख लेती है। कहती कि इस बैग में क्या है। हैरी ये बैग उसे छुपा लेता है। नीना ने कहा कि ये लड़की के बारे में ही है। नीना गैराज में जा रही थी, पर हैरी उसे रोक लेता है। नीना समझ गई कि वो लड़की गैराज में है। हैरी रोने लग गया। वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसे सब कुछ चीजें बता देता है। उसने उसे पैसे दिखाए, पर एक्चुअल में अंदर सारी फेक नोट्स थी। नीना ने फिर मिसेस मॉलरॉस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। उसे पता चला कि मिस्टर मॉलरॉस का जो ड्राइवर है जिसका नाम है डोनली, उसके साथ मिसेस मॉलरॉस का चक्कर चल रहा है। इस सारे प्लान में वो दोनों शामिल थे। नीना फिर डायरेक्टली जाकर डोनली से बात करती है। कहती है हमारे पास ऑडिट की बॉडी है, इसका तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। डोनली कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा।
हैरी ने जो मिसेस मलरॉस की टेप बनाई थी, ये टेप वो डोनली को सुनाती है। ये एविडेंस देखकर डोनली भी काम करने के लिए रेडी था। डोनली ने नीना से कहा, इस टेप में जरा आगे सुनो। नीना को हैरी के अफेयर के बारे में पता चला, वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो हैरी से पूछती कि तुमने ये सब किया क्यों। हैरी कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मैं फंस गया था। नीना कहती कि तुम्हें ये सब इलीगल करने की जरूरत नहीं थी। हैरी ने कहा कि गलत एविडेंस की वजह से मेरे 2 साल बर्बाद हो गए थे, इस वजह से वो गुस्सा था। थोड़ी देर में इनके पास डोनली आया, अपने साथ वो एसिड लेकर आया था। ऑडिट की बॉडी को मेल्ट कर देते हैं। इसके बाद वो उनसे टेप का एविडेंस लेकर चला गया। फिर से हैरी को उसके ब्रदर इन लॉ को कॉल आता है। ब्रदर इन लॉ उसे कहता है कि ऑडिट की डेड बॉडी हमें मिली है। ये डेड बॉडी हैरी ने जो प्लेस रेंट किया था यही पर मिली है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑडिट की डेड बॉडी को उन्होंने अभी अभी मेल्ट कर दिया, तो डेड बॉडी किसकी थी। पुलिस के साथ हैरी यहाँ पर पहुंचा तो डेड बॉडी किसी और ही लड़की की थी। मिसेस मलरॉक्स ने एक एक्ट्रेस को हैरी के पास भेजा हुआ था ताकि हैरी को लगे कि कोई भी किडनैपिंग हो नहीं रही। मिसेस मलरॉक्स का हैरी को इस केस में फंसाने का पूरा प्लान था। अब जो डेड बॉडी मिली है ये एक्चुअल में मलरॉक्स की बेटी की डेड बॉडी थी। यहाँ पर पुलिस को जो विटनेस मिला था ये भी देखने के लिए आया हुआ था। ये हैरी को पहचान लेता है और कहता है हैरी ने ऑडिट को किडनैप किया था। ये देखकर हैरी जल्दी से वुड्स में से यहाँ से भाग गया। वो रात में डायरेक्टली मिसेस मलरॉक्स के पास पहुंचा। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर मिसेस मलरॉक्स कहती है ये सारा प्लान डोनली का है, वो मुझे भी इसमें फंसा रहा है। वो उसे फिर से किस करती है, कहती है हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। पर हैरी इस बार फंसने नहीं वाला था। वो डायरेक्टली मलरॉक्स के रूम में गया। वो कहता है तुम्हारी वाइफ ने यह सब प्लान बनाया था, उसे सब कुछ सच सच बता देता है। डोनली रूम में आया और हैरी पर वो गन लगाता है। मिसेस मलरॉक्स भी वहां पर पहुंची, पर मिसेस मलरॉक्स ये कोई और ओल्ड लेडी थी। एक्चुअल में अब तक हमें जो मिसेस मलरॉक्स लग रही थी ये डोनली की वाइफ थी। डोनली और वो ये मिस्टर मलरॉक्स के यहाँ पर सर्वेंट थे और उन्होंने मिलकर ही ऑडिट को किडनैप करने का प्लान बनाया था। मिस्टर मलरॉक्स हैरी पर बिलीव नहीं करते और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो डोनली को ऑर्डर करते हैं कि इसे लेकर जाकर मार डालो। जहां पर इन्होंने फेक ऑडिट की बॉडी मेल की थी यही पर डोनली हैरी को लेकर आया। हैरी की गर्लफ्रेंड नीना को भी उन्होंने किडनैप कर लिया था। डोनली और उसकी वाइफ मिलकर हैरी को एसिड में डालने वाले थे तभी वहां पर पुलिस पहुंच गए। हैरी ने ऑलरेडी अपने ब्रदर इन लॉ को सारी चीजें बता दी थी। सारे पुलिस यहाँ पर पहुंच गए। फाइट में डोनली ही एसिड में गिर गया। डोनली की वाइफ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पर इसके साथ ही पुलिस ने हैरी को भी अरेस्ट किया क्योंकि उसने भी इनकी इसमें मदद की थी। लास्ट में उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया, पर पहले तो उसने किडनैपिंग में मदद की थी। हैरी ने सारी चीजें एक्सपोज की तो इस वजह से उसे बहुत ही कम जेल होती है। उसे अपनी लाइफ में हमेशा से एक नॉवेल लिखना था पर कभी भी टाइम नहीं मिलता था। लास्ट टाइम जब वो जेल में गया तो उसके पास लिखने के लिए एक अच्छी स्टोरी नहीं थी, पर इस बार उसके साथ जो भी हुआ ये सारी चीजें वो लिख डालता है। जेल से जब वो बाहर आया तो उसके पास पूरी बुक रेडी थी। वो हमसे कहता है कि शायद मेरी बुक पर मूवी भी बन जाए, और यहीं पर ही मूवी एंड हो जाती है। वो पहले बहुत ज्यादा लालच में आ गया था, पर जब उसे पता चला कि वो फंस रहा है तो उसने सब कुछ चीजें पुलिस को सच सच बता दी थी। नीना से भी वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहा तो इस वजह से दोनों एक साथ थे। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।